जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम पेपर की आंसर की को एनालिसिस करेंगे जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 15 अक्टूबर की फर्स्ट मीटिंग में हुआ है। तो आइए देखते हैं इसके कौन से आंसर सही हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस आंसर की को देख के आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और ये मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इसके सारे आंसर 99% जो है कि सटीक और सही बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका अकासा एयर, ये हो जाएगा पहले का सी मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर दो पूछा जा रहा है बढ़े चलो अभियान, इसका हो जाएगा सेकंड का ए संस्कृति मंत्रालय दूसरे का। क्वेश्चन नंबर तीन भारतीय सेना ने कौन सा उपग्रह जो है कि छोड़ा, तीसरे का हो जाएगा ए स्काई लाइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चार को अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है जो चंडीगढ़ में नशीली दवाओं पे जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और नशीली दवाओं पे जो एक कॉन्फ्रेंस की गई वो किस मंत्री के अधीन की गई, मतलब अध्यक्षता में, तो अमित शाह हो जाएगा फोर का डी। क्वेश्चन नंबर फाइव पूछेंगे भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित होने वाला राज्य, तो फाइव का ए गोवा हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा जा रहा है आपसे भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो सिक्स का सी यूएई। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा जा रहा है कि किस आईआईटी ने नीलेकड़ी केंद्र की शुरुआत की है, तो आईआईटी मद्रास सेवन का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो एट का डी आंध्र प्रदेश। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु नाइन का सी 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई, 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्रा नदी में पड़ता है असम में, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा पूछी गई है, डी हो जाएगा इसका हंगेरियन फोरिंट। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो पूछा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, 13 का ए। फिर 14 पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद के द्वारा, 14 ए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है UNFCCC की फुल फॉर्म, तो इसका हो जाएगा 15 का ए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं नौटंकी को पूछा गया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा 16 का डी अपने उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से 21 तक एक हिंदी पैराग्राफ में जो है कि क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 साहित्य अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है, तो बी हो जाएगा इसका सही जवाब इतिहास बताकर। इसके बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 18 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है आपसे कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा 18 का डी, क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 होगा कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा, तो इसका डी होना चाहिए साहित्य और समाज, क्योंकि साहित्य के द्वारा ही समाज को सुधारने की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं साहित्यकार की समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करेगा और कर्तव्यवाद का संदेश देगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है साहित्य में या साहित्य हमें किस तरह अपनी पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 21 का सी। क्या हो जाएगा सही जवाब, सी साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं है केवल, उसके साथ साथ वो अपने राष्ट्र का इतिहास गरिमा संस्कृति सभ्यता ये सारी चीज़ों की जानकारी देता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, 22 में भी एक पैराग्राफ दिया जो 22 से 26 तक होगा, तो हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है, आइए प्रश्न पे हम देख लेते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है, तो 22 का हो जाएगा आपका डी, क्योंकि ये जितना सीधा है उतना ही ये तंग मार्ग भी है जिस पर चलना बहुत कठिन है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट सभी कि हरि का जो है कि मार्ग पर चलें, सत्य की आराधना करें, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है चिर अस्थाई जो हमेशा बना रहता है उसका विलोम क्या होगा, क्षणभंगुर, 24 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए, तो सी हो जाएगा कि श्रद्धापूर्वक अंत विद्यमान सत्य के मार्ग पर चलिए और स्वयं का साक्षात्कार कीजिए और सत्य का भी साक्षात्कार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी कि संकट तो सहते रहे लेकिन निमित्त नाश किए बिना ही आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करते हैं,
देखिए ग्राफ में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस आपको जो है कि डिटेल देता हूं थोड़ी सी कि ये जो 27 से 31 तक के क्वेश्चन हैं जिसमें वेतन, ईंधन, परिवहन, बोनस, ब्याज दर और ऋण इन सबसे संबंधित कुछ आंकड़े दिए हैं, तो हम डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर पूछते हैं। 27 वाले प्रश्न में दिया गया कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 27 का सही जवाब हो जाएगा सी जो है कि 0.6%। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया 2011 में जो है कि कुल मद पे जितना खर्च किया गया 2015 के कुल मद का कितना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन 68.33। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की कितनी औसत राशि चुकानी पड़ रही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 26.66 लाख, यानी कि 26.66 लाख एक तरीके से। और क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मोबाइल बार बार स्लाइड ले रहा है, लेकिन आपको उत्तर कुंजी देनी है जल्दी से जल्दी ताकि आप अपने सही आंसर को देख सकें, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप लोग पूरा आंसर मिलाइएगा इससे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 अगर हम देखें, सभी वर्ष के करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय इसके बीच का अनुपात पूछा जा रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा 109:151 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2013 के दौरान मदों पर कंपनी का कुल खर्च कितना हुआ, तो 31 का हो जाएगा सी 738.44 लाख रुपये। अब अगला देखते हैं कि 32 से 36 तक में जो है कि फिर एक डेटा दिया हुआ है जिसमें कुछ गाड़ियों के नाम दिए हुए हैं, कार के माइलेज जैसे ऑल्टो, स्विफ्ट, टियागो, मिनी, स्किड, क्विड, तो इससे संबंधित जो है कि कुछ आंकड़े दिए हैं, तो हम डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं जो है कि क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 32 जो पूछ रही है ऑल्टो और क्विड में 10 दिनों के दौरान औसत गति एक समान होने की वजह से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 32 का सी 0 घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें कहा गया है कि 10 दिनों के दौरान कार मिनी के द्वारा उसकी औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट की जो औसत गति है 990 किलोमीटर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनका कोई रेशियो जो निकालना है 33 का इनमें से कोई रेशियो नहीं आ रहा है। इसके बाद 34 में हम देखेंगे कि 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 34 का हो जाएगा बी 25:36 यानी कि 25:36। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इसी का क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो 35 का हो जाएगा डी 18:25। प्रश्न संख्या पूछा जा रहा है आपसे 36 जिसमें कह रहा है सभी कारों के द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी के द्वारा 150 घंटे और 300 घंटे में जो तय की जाती है, तो इस प्रश्न का 36 का हो जाएगा बी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम देखते हैं अगले, देखिए ग्राफ के प्रश्न जो है कि बहुत लेंथी कर दिए गए हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई आंसर की, लेकिन हमने सटीक आंसर निकालने की कोशिश की ताकि आपको अपने उत्तरों के बारे में पूरी जानकारी रहे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे हम, एक ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से जिसमें कर्मचारियों की संख्या जो है कि 5000 है 2000 में, तो उससे समेत हम प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, तो 37 का सी हो जाएगा 5300। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38 में 2002 से 2003 तक के कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है, तो इसका हो जाएगा 1% की जो है कि। क्वेश्चन नंबर 39 है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में करने वाले कर्मचारियों से कितने प्रतिशत लगभग थी, तो 39 का डी हो जाएगा 96.15 यानी कि 96.15%। प्रश्न संख्या 40 पूछी गई, दी गई अवधि के दौरान किसी वर्ष भी कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या को का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से क्या अनुपात है, तो प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब हो जाएगा 9:13 या 9/13, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 41 पूछ रहा है कि किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो कब अधिक से अधिक लोगों ने छोड़ा है, तो डी हो जाएगा इसका सही जवाब 2002, 41 का हो जाएगा डी। एक और बार ग्राफ आता है 42 से 46 तक जो है कि सोचिए इतनी डी आई इस बार दी है, पिछली बार तो 2 DI थी, इस बार तो लगभग 4 से 5 DI दी है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली मीटिंग में जो भी जाने वाले हैं सेकंड मीटिंग या 16 तारीख को जो दो मीटिंग्स होनी है, तो कम से कम आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन को जरूर देख के जाइएगा, प्रश्न बहुत आ रहे हैं इसमें। प्रश्न संख्या 42 से 46 तक अगर हम देखें, तो आइए हम प्रश्न पर डायरेक्ट आ जाते हैं। पूछा जा रहा है
2015 से 2016 का औसत उत्पादन किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बराबर है? तो सही जवाब हो जाएगा 2012 और 17, सी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न संख्या 43 पूछी जा रही है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो डी ऑप्शन 137.5%। क्वेश्चन नंबर 44 है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक है? तो 44 का बी 2017 हो जाएगा। 45, दिए गए औसत कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है? 45 का बी 4 हो जाएगा। 46 पूछा जा रहा है आपसे, 2013 और 14 के खिलौनों के उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 46 का सी 20% की गिरावट हुई। अगला प्रश्न है 47 कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगीर में। किस व्यक्ति का नाम देवानाम प्रिय प्रियदर्शी के रूप में है? तो सम्राट अशोक, 48 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 49, पूछा जा रहा संगमरमर पे जो पित्रादुरा का या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किस शासनकाल में हुआ? तो शाहजहाँ के, क्योंकि ताजमहल जो है कि सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है, वहाँ पर पित्रादुरा तकनीक को दिखाया गया बहुत अच्छे से, तो शाहजहाँ के काल में जो है कि बहुत लोकप्रिय हुई। अगला प्रश्न है 50 कि किस युग में तांबे का पहली बार आविष्कार हुआ? ध्यान दीजिएगा, पहली बार पूछा जा रहा है, इसलिए नवपाषाण युग में पहली बार तांबे का जो है कि खोज हुई या यूँ कहें कि प्रयोग हुआ, लेकिन जब तांबे का और पत्थर का मिला के बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा तो उसे ताम्रपाषाण युग कहा जाने लगा, लेकिन पहली बार नवपाषाण काल में ही तांबा मिलता है। प्रश्न संख्या 51 को हम देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन 1951 में जो तेलंगाना से शुरू किया गया था वो थे विनोबा भावे, 51 का डी। अगला प्रश्न है 52 कि दांडी नमक यात्रा में गांधी जी से किसने कहा था कि केवल पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी शामिल कीजिए? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय 52 का ए हो जाएगा। प्रश्न है 53, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हो रही थी तो उस समय किसका शासन चल रहा था भारत में? तो मुगल सम्राट का चल रहा था, 53 का सी हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका मुगल सम्राट। चलिए 54 क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग, पूछा जा रहा है 54 में कि सिंध प्रांत को बंबई से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया? तो 1935 का जो अधिनियम था, बी ऑप्शन, इसको आपने पढ़ा भी होगा। 55 में पूछा जा रहा चलो दिल्ली, यानी दिल्ली चलो किसका नारा था? तो आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, 55 का ए। 56, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति में होती है? तो फ्रांसीसी क्रांति, जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के लिए लड़ी गई थी, वहाँ पे जो है कि पहली क्रांति देखी जाती है, तो राष्ट्रवाद की वहीं पहली झलक मिलती है, 56 का बी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न संख्या 57 हम देखते हैं कि अक्टूबर में जो गर्मी पड़ती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो ये ज्योग्राफी का बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका ए आंसर इज करेक्ट हो जाएगा कि उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ये जो है कि इसका इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा, 57 का ए। फिर 58 का पूछा जा रहा है कि भारत का जो मानक समय वो ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे? तो बहुत आसान प्रश्न ये, 58 का सी 5.5 घंटा आगे होता है। अगला प्रश्न है 59, कौन जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा खनिज, 59 का ए, क्योंकि शहरीकरण, औद्योगिकरण और पानी की उपलब्धता की वजह से जनसंख्या या तो अधिक होगी किसी जगह या तो कम होगी, लेकिन खनिज से उसका कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि खनिज में इंडस्ट्री और सरकार का योगदान ज़्यादा होता है, आम पब्लिक का नहीं होता है। प्रश्न संख्या 60, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पाई जाती है, लेकिन किन दो देशों के बीच में? तो भारत और नेपाल के समीप जो है कि हिमालय पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं 61 प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जो NDC 1952 में एस्टैब्लिश की गई थी, इसी के द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाती थी। 62 में पूछा जा रहा है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए पहला चरण किसे समझा जाता है? तो प्राथमिक गतिविधियों से जो कृषि और जो है कि प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा होती है उसका, 62 का ए। 63 में पूछा जा रहा है 63 क्वेश्चन, हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा क्या था? तो 63 का बी, ये सभी के सभी थे कि उच्च किस्म के बीज होने चाहिए, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई वगैरह पर फोकस किया गया था। 64 प्रश्न पूछा रहा है बिहार का शोक, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के मार्ग बदलने के कारण ही बिहार में बाढ़ आ जाती है। प्रश्न संख्या 65 पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है, तो ये विभागीय उपक्रम जो होते हैं, 65 का डी। देखिए थोड़ा इस पर डाउट भी है 65 पर, लेकिन मेरे हिसाब से 65 का डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है 66, ये भी एक डाउटफुल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर कहीं पर जो है कि बी मिलेगा और कहीं डी मिलेगा, तो ये भी एक डाउटफुल प्रश्न है, आप इसको छोड़ सकते हैं 66 को। 67 पूछ रहा वाणिज्यिक बैंक नहीं है, तो बी आंसर इज करेक्ट हो जाएगा सिडबी, क्योंकि सिडबी क्या है कि स्मॉल इंडस्ट्रियल जो है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको लोन देने का काम करती है एक तरीके से, तो ये कमर्शियल बैंक नहीं है, जो
प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए भी काम करती है। प्रश्न संख्या 60, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया 1993 के एक्ट के माध्यम से, वो किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो 68 का डी, गृह मंत्रालय के अधीन। पूछा जा रहा है 69 में कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित करने का अधिकार, मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं यानी यूनियन टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, उसमें उच्च न्यायालय अगर स्थापित करना तो उसकी किसके पास शक्ति है? तो संसद के पास। 69 का ए हो जाएगा। 70 में अगर हम देखें तो भारत किस भारतीय अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी? तो 70 का बी, 124, आर्टिकल 124 में कहा गया है। 71 पूछा रहा है कि किसके पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति है? तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 का प्रयोग करती है और उच्च न्यायालय जो है कि 226 का प्रयोग करके सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों ही मौलिक अधिकारों को लागू करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 72, पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो ग्रीन हाउस गैस है, जिसमें 10-12 गैसें आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है और CFC होती है, क्लोरोफ्लोरो मोनोकार्बन होती है, ये सारी की सारी गैसें जो है कि जिम्मेदार होती हैं। अगला प्रश्न है 73, न्यूमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 73 का ए हो जाएगा, फेफड़ा सबसे जल्दी जो है कि प्रभावित होता है। 74 में पूछा जा रहा है कि कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है कि 74 का सी। 75, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो ये उनके अपने तापमान पर निर्भर करता है, उनके तापमान की वजह से ही, जब वो बहुत ज़्यादा तापमान में होते हैं तो जो है कि रेड शिफ्ट, ब्लैक शिफ्ट, इस तरीके से जो आपने टर्म सुनी होगी, तो तारों का रंग सामान्यतः उनके तापमान से प्रभावित होता है। 75 का ए। अगला प्रश्न 76, फिर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं प्रश्न को। तो 76 का सही जवाब हो जाएगा ए, 30, एंड 77 भी मैथमेटिकल है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 100 आएगा। अगला देखते हैं 78 भी, एक 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 78 का 20%। फिर एक औसत का क्वेश्चन है 79 कि 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, तो 5वें का कितना आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 50 आ जाएगा। 80 में दिया है अंडर रूट में 29.8116 प्लस अंडर रूट में 77.44, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 14.26। 81 में पूछा जा रहा है पादप कोशिका भित्ति, जो पादप की सेल वॉल होती है, वो किससे बनती है? सेलुलोज से बनती है। 81 का ए आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कह रहा है हिंदी का प्रश्न है कि कौन सा शब्द युग्म अपने अर्थ भेद के साथ सही तरीके से मैच नहीं है? तो 82 का बी हो जाएगा, अवलंब और अभिलंब, अविलंब का जो अर्थ है वो गलत दिया हुआ है। 83 पूछ रहा है कि कौन से परस्पर पर्यायवाची शब्द सही है? तो 83 का डी हो जाएगा, पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये एक ही पार्वती जी के ही नाम है जो है कि। 84 में पूछा सही विलोम, तो कर्कश और खुरखुरा जो 84 होता है, इसका सी हो जाएगा, कर्कश और खुरखुरा। 85 ख्याली पुलाव पकाना, असंभव बातों की कल्पना करना, एक ऐसी बात जो कभी संभव नहीं हो सकती उसकी कल्पना करते हैं, तो 85 का सी हो जाएगा। 86 महर्षि का जो संधि विच्छेद होगा वो बी ऑप्शन, महा प्लस ऋषि। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश का पैराग्राफ इतना बड़ा दे दिया और केवल दो प्रश्न दिए हैं, कम से कम 4 से 5 प्रश्न देने चाहिए थे तो शायद इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ा वेटेज मिलता। तो मुझे लगता है इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चों ने किया भी नहीं होगा समय की वजह से, कि कौन इतना बड़ा पढ़े और दो प्रश्न। फिर भी देखते हैं 87 और 88 का हमने भी इसलिए आंसर नहीं निकाला है। 89 पे हम सीधे देखते हैं कि एंटोनिम्स पूछ रहा है डिसअपॉइंटमेंट का, डिसअपॉइंट, तो इसका हो जाएगा 89 का डी, सेटिस्फाई करना किसी को। 90 का पूछा जा रहा है आपसे, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिंग, एडिटिंग एंड आर कंपाइलिंग डिक्शनरीज, तो 90 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, सी होगा, फिलियोलॉजी, इसे कहते हैं फिलियोलॉजी। 91 में एक रीजनिंग का प्रश्न है कि एक महिला की ओर इशारा करके पूछा जा रहा है, तो वो महिला जो है कि नीलेश की पत्नी होगी, 91 का डी हो जाएगा। अगला एक प्रश्न एक असंगत युग्म है, देखेंगे आप 8, 27, 64, ये सब 2, 3, 4 के क्यूब हैं, लेकिन 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, इसलिए 92 का डी आंसर इज करेक्ट, क्योंकि यही एक असंगत है। 93, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे पड़ता है, इसलिए डी हो जाएगा 93 का। और 94 में पूछा जा रहा है पार्शियल का जो है कि सिनोनिम्स, तो पार्शियल मतलब आंशिक होता है, इसलिए इनकम्प्लीट, 94 का ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी इनकम्प्लीट मतलब आंशिक, पूरा नहीं होता है। अगला देखते हैं 95 में भी एक 95 में एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल को अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो गैदर का कोड क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, TBGRFH। 96 प्रश्न देखते हैं, तो एक निष्कर्ष वाले होते हैं जिसमें ऑल और सम वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो 96 का बी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से कोई भी जो है कि कथन संपूर्ण रूप से सही नहीं है। 97 की अगर हम बात करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं, 97 करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया गया था गुजरात, 97 का सी हो गया।
एंड 98 में पूछा जा रहा है कि ताइवान के पास आसपास के रेंज में सबसे बड़ा सैन्य अभियान अभी तक का किसने किया, तो चाइना ने किया क्योंकि ताइवान को परेशान करने के लिए 98 का बी। और 99 में पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कौन से मेट्रो परिचालन के द्वारा किया गया, तो 99 का ए कोलकाता हो गया। और ये लास्ट प्रश्न है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम भ्रूण तैयार किया, यानी कि ना कोई एग्स ना कोई स्पर्म, फिर भी एक मैनमेड तरीके से हुआ कि एक भ्रूण तैयार किया जिसको सिंथेटिक एम्ब्रियो कहते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इजराइल। तो 100 का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, इजराइल ने किया। ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। तो ये थी आपकी सटीक आंसर की, और आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके के वनडे एग्जाम्स और यूपीएससी के आईएसपीसीएस की तैयारी भी कराई जाती है हमारे चैनल पे, और हम सेकंड मीटिंग और 16 तारीख के दोनों मीटिंग्स के भी आंसर की अपलोड करेंगे बिल्कुल सही और सटीक, भले थोड़ा देर लगता है लेकिन सही आंसर लाने का प्रयास किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।